लीग ट्रॉफी में इंडिया बी के लिए खेल रहे मुशीर खान ने कमाल की बैटिंग करते हुए 181 रनों की पारी खेली। पारी के दौरान मुशीर ने 373 गेंदों पर खेले और 5 छक्के जमाए। मुशीर ने नवदीप सैनी के साथ मिलकर 205 रनों की साझेदारी की। दरी ट्रॉफी के इतिहास में 8वें विकेट के लिए ये सबसे बड़ी साझेदारी है। 205 रनों की साझेदारी के दम पर इंडिया बी ने 321 रनों का स्कोर खड़ा किया। इंडिया ए के कप्तान शुभमन गिल ने किया बल्ले से निराश। 43 गेंद पर 25 रन बनाकर आउट हुए। गिल का विकेट नवदीप सैनी ने किया हासिल। इंडिया डी के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहली पारी के बाद सीखा सबक। दूसरी पारी में इंडिया सी के खिलाफ 44 गेंद पर खेली 54 रनों की पारी। अंशुल कंबोज ने लिया श्रेयस का विकेट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने न्यूजीलैंड थामा हाथ। विक्रम राठौर ने न्यूजीलैंड के कोचिंग स्टाफ से जुड़ने का किया फैसला। भारत के ग्रेटर नोएडा में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट खेला जाना है। इस इकलौते टेस्ट के लिए विक्रम राठौर को न्यूजीलैंड के कोचिंग स्टाफ से जोड़ा गया। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका ने प्रभात जयसूर्या को किया बाहर। कुसल मेंडिस को किया टीम में शामिल। प्रथम निशांका निशान मधुशंका को जगह लेंगे। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 2-0 से आगे। तीसरा टेस्ट जीतकर इंग्लैंड की नजरें क्लीन स्वीप की तरफ। ओवर में खेला जा रहा है सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान में 12 सितंबर से चैंपियंस वनडे कप का आगाज हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 5 टीमें आपस में भिड़ेंगी। इन 5 टीमों के स्क्वाड और कप्तान के नाम का ऐलान हो गया। मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी कप्तानी करते हुए आएंगे नजर। शादाब खान और साउद शकील को बनाया गया कैप्टन। बाबर आजम को नहीं मिली किसी टीम की कप्तानी। विनोद कांबली का नया हेल्थ अपडेट आया सामने। कुछ वक्त पहले कांबली का एक वीडियो आया सामने जिसमें वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। कांबली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विनोद कांबली ने वीडियो में बताया था, मैं अच्छा हूँ, भगवान की दया से मैं जिंदा और फिट हूँ। साथ ही कांबली ने बताया कि मैं नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए तैयार हूँ। बीसीसीआई सचिव जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद 29 सितंबर को बेंगलुरु में होगी बोर्ड की सालाना AGM मीटिंग। इस मीटिंग में नए सचिव को लेकर चर्चा होगी। बीसीसीआई की AGM मीटिंग बेंगलुरु के बाहरी इलाके में होगी। इस दौरान नेशनल क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन होगा। बोर्ड के सभी मेंबर्स बेंगलुरु में रहेंगे मौजूद। पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का मानना है कि WTC के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत हो सकती है। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल जीत लिया था। दिनेश कार्तिक ने एक वीडियो में बताया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया फिर एक बार आमने सामने हो सकते हैं। भारत के लिए अपनी हार का बदला चुकाने का मौका है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सितंबर में नीरज बेल्जियम में जलवा दिखाएंगे। पाकिस्तान के अरशद नदीम इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। डायमंड लीग फाइनल्स 2024 का आयोजन 13 सितंबर से ब्रुसेल्स में होगा। इसके लिए नीरज को मिलाकर कुल 6 एथलीट ने क्वालिफाई किया है। नीरज को ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से कड़ी टक्कर मिल सकती है। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अपने नाम किया 6ठा गोल्ड मेडल। प्रवीण कुमार ने हाई जंप T64 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रवीण ने 2.08 मीटर की छलांग लगाई। पिछली बार प्रवीण ने टोक्यो पैरालंपिक में 2.07 मीटर की छलांग लगाकर एक एशियाई रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता था।